शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कश्तियां सभी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है। जी? देख बेटी, मैं बंदरगाह जा रहा हूँ, तू खाना बना के रखना। कोई आ रहा है क्या? हाँ बेटी, बर्मा से कुछ मेहमान आ रहे हैं। बेचारों ने बर्मा की धरती पे जन्म लिया, वहां की हवा में पले बड़े हुए, अब निर्वासित होकर यहाँ आ रहे हैं। निर्वासित? हाँ। हमारा कोई रिश्ता है उनसे? बेटा, ऐसा रिश्ता है, यह हम उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके बहुत उपकार हैं हम पर। अच्छा, अब मैं तैयार होकर जाता हूं। नमस्ते बहन जी, मैं सेवक राम हूँ, पहचान लिया आपने? पहचान तो रही थी, सफेदी जो आ गई आपके बालों में। सफेदी तो आ गई बहन जी, दो जवान बेटियों का बोझ जो है मुझ पर। अच्छा, ये दोनों, ये? हाँ भैया, ये मेरा बड़ा बेटा प्रेम है और ये छोटा राजेश। नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो। आ बेटा, आ, आ। बेटा, इनके घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। सेवक राम की दो लड़की हैं, उनके लिए कुछ लिया। ठीक है माँ। शांति, बेटी शांति। देखो बेटी, मेहमान आ गए। शांति, यह है पार्वती बहन, मेरी बड़ी लड़की। यह है प्रेम बाबू और इनसे जो छोटे हैं राजेश बाबू, वो आते ही होंगे। बड़ी शर्मीली है मेरी बेटी। बैठिए बहन जी, बेटा बैठो। शांति, दुर्गा कहाँ है? जी वो कपड़े धोने गई है, आती ही होगी। अरे ओ चंपा, दिखता नहीं
नहीं क्या? मेरे धुले कपड़ों के ऊपर अपने गंदे कपड़े रख दिए तूने। बढ़िया आई अपने साफ कपड़ों वाली, उठा अपने कपड़े। अरे वारी, मैं क्यों उठाऊं? तू उठा अपने कपड़े चल। हाय, ये पत्थर तेरे बाप की जायदाद नहीं। ए, बाप तक पहुंचेगी तो मुंह तोड़ दूंगी, याद रख। उठा अपने कपड़े। नहीं उठाती। इसके नहीं उठाती, मतलब उठा नहीं उठाती। अरे जा, और ये भी ले जा। मुझ पे गीले कपड़े किसने फेंके? इस चुड़ैल ने। आय हाय चुड़ैल, मैं हूँ या तू? चुड़ैल कोई भी हो, मैं पूछता हूँ मुझ पे ये गीले कपड़े क्यों फेंके? इसने पत्थर पर गीले कपड़े रखे, मैंने गीले फेंक दिए। ए धोबन, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। ए धोबी, किसे धोबन कहता है? कौन है धोबन यहाँ? धोबन नहीं तो तूने क्या अपने आप को रानी महारानी समझ रखा है? गीले कपड़े फेंक दिए। भाई गीले कपड़े हैं, कोई गोली नहीं कि तेरा गुल बदन छे गया। आ गया बनकर कहीं का खेला। ओ गुलहरी, ज्यादा चक चक नहीं किया करते, समझी? देख जी, मैं बहुत बुरी हूँ, तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हाँ मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ? नहीं, फिर बोलते बोलते चले जाओ। बोलू? क्या लड़की। अरे ओ, तुम सब आओ यहाँ, जरा इस शहरी बाबू को ठीक करें। Yeah.
मर्दों को कुछ समझती नहीं, बिल्कुल दुर्गा करो। तुम यहाँ? मेरी बेटी दुर्गा है। आपकी बेटी? हाँ, जो सोचा था वही नाम। पिताजी, ये सब? बेटा, तुमसे कहा था ना कुछ मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, देख, खाना तैयार हो गया। अंकल, मैं इसी के बारे में आपको कहने वाला था। अच्छा, तो दुर्गा से तुम्हारी मुलाकात पहले ही हो गई है? जी हाँ, थोड़ी सी तूतू मैमे हो गई थी। तूतू मैमे? पिताजी, खाना तैयार है। अच्छा बेटी, थाली लगा दो। आप सब उठिए, तुम्हें जरा जगह साफ कर दो पिताजी। हाँ हाँ हाँ, बहन जी चलिए, हाथ मुंह धो लें। चलो फिर, आइए। दरी से उठिए, मुझे जगह साफ करनी है। मैं आपसे कह रही हूँ, उठिए, मुझे जगह साफ करनी है। रुकने वाला था, तुमने दरी क्यों खींची? मैं दरी उठाने आई थी, तुम उठे क्यों नहीं? तुम रुक नहीं सकती थी? तुम उठ नहीं सकते थे? क्या पढ़ 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 पढ़। राजेश, क्या बात है माँ, नींद नहीं आ रही? नींद तो बेटे हिंदुस्तान के जमीन पर कदम रखते ही उड़ गए। ऐसा नहीं पास मेला लगे उदास, अपना देश भी पर्दे जैसा लगे। ओहो माँ, सुबह बात कर रहे हैं ना, अभी तो सोने दो। देखा, इसे खाने पीने और सोने के सिवा कोई चिंता नहीं। देखे, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे गुजर बसर होगी? माँ, तुम मुझे बड़े भैया की तरह समझती हो, क्या मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता, नौकरी नहीं कर सकता? अब तेरा ही भरोसा है। तेरे पिताजी हमेशा सेवकराम के बारे में बातें किया करते, तब सोचा करती थी कि सेवकराम कोई धनी आदमी होगा और उसी विश्वास से उसके पास आई। लेकिन यहाँ आकर जब देखा तो जमीन खिसक गई पैरों से। दो दो लड़के हैं बेचारे। लड़कियां हैं तो क्या हुआ? जो आदमी अभी तक अपनी लड़कियों की शादी का भार नहीं उतार सका, वो हम तीनों का भार कैसे और कब तक संभालेगा बेटे? बहन जी। आओ भैया, आओ, बैठो ना। मैंने आपकी सब बात सुन ली। भगवान मेरा जानता है कि आप लोगों का मुझ पर बिल्कुल भार नहीं, लेकिन आप लोगों की अमानत का मुझ पर बड़ा बोझ रखा है। देखिए, आप लोगों के आने की खुशी में मुझे बताने की फुर्सत ही नहीं मिली। अमानत? कैसे अमानत? वो यही रखी है। हाँ, आप चारपाई दिखाए तो ये है, ये मैं भी आया। प्रेम, प्रेम, ए प्रेम, उठो। क्या है वह? उठो ना। आपका भैया, भैया मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ?
मैं कुछ समझा नहीं, ये रुपया पैसा और हमारा। हाँ बेटे, तुम्हारे पिताजी ने यह अमानत मेरे पास रखी थी और मुझसे कहा था, सेवक राम मेरे बाद के रुपए पैसे मेरी बीवी और बच्चों को दे देगा। बहन जी, आज तक इसकी हिफाजत मैं जी जान से करता रहा, अब लो, अब संभालो अपनी अमानत को। लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा करते थे, अगर मेरे बाद भारत जाना पड़ा तो सीधे सेवक राम के पास जाना। पार्वती बहन, तुम्हारे पति बहुत दूरदर्शी थे, वो जानते थे अगर हिंदुस्तान आजाद होगा तो बर्मा भी जरूर आजाद होगा, और ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि हिंदुस्तानियों को बर्मा छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। सच है भैया, बर्मा के आजाद होने पर उन्होंने मुझे भारत आने के लिए कहा था, मगर उस वक्त मैंने उनकी बातों को मजाक में टाल दिया। मैं सब जानता हूँ बहन, उसके बाद वो जब भी हिंदुस्तान आते अपने साथ रुपया पैसा लाते और मेरे पास छोड़कर चले जाते। अब संभाल रही है भैया। अरे बहन, ये क्या किया भैया? तुम इंसान नहीं, देवता हो। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ मगर मेरे पास शब्द नहीं भैया। कुछ कहने की जरूरत नहीं बहन, किसी जमाने में तुम्हारे अमीर पति ने मुझे गरीब को अपना दोस्त माना था, एक दोस्त ने दोस्त के विश्वास को और अपने फर्ज को पूरा किया। मेरे पति ने ये बेजबान अमानत आपके हाथों सौंपी थी और मैं उनकी इस संतान को आपके हाथों में सौंपती, आज से आप इनके शुभचिंतक हैं भैया। तुम दोनों क्या सोचने लगे? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अंकल, समुद्र की यात्रा करते हुए मैं सोच रहा था कि वो कौन सी ताकत है जो इस अथाह सागर को अपनी मर्यादा में बांधे हुए। आज मुझे इस बात का जवाब मिल गया, जब तक इस दुनिया में आप जैसे इंसान मौजूद हैं, समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं लांग सकते। बिल्कुल अपने पाप पके हैं। कैसे मानूं कि नहीं आई थी गुलशन में बहार, मैंने फूलों पे तेरे नक्श कदम देखे। दिल तो न मेरा तोड़ो, वादा तो जरा कर लो, चाहो तो वफा करना, चाहो ना वफा करना। इधर आओ, तुमसे निगाहें मिला लूं, तुझी पर तो दिल आ गया है किसी का। माँ, देखी तुमने प्रेम भैया की हरकत, हाथ पकड़ रहे थे। किसका हाथ? अंकल की बड़ी बेटी शांति का। हाय राम, अभी दो ही दिन हो गए यहाँ आए हुए। माँ, भैया के लिए दो दिन क्या, दो मिनट भी काफी है। घर में पांव रखते ही अपनी हरकतें शुरू कर दी, वो भला आदमी सुनेगा तो क्या कहेगा? जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। आ रहा है। अच्छा अच्छा, चुप रहे, मैं उसे समझाती हूँ। पिछले दरवाजे से कहाँ से आ रहा है? बस मैं भैया को सीधा रास्ता तो मालूम ही नहीं, ये तो उल्टे रास्ते पर चलने के ही आदी है। लेकिन भैया कम से कम यहाँ तो सीधे रास्ते पर चलो। बहन जी, एक बहुत अच्छा मकान बिक रहा है, कीमत भी कम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी देख लीजिए। आपको पसंद है ना? फिर भी आप लोग देख ले तो अच्छा है। अच्छा, फिर शांति और दुर्गा को भी साथ में लेते। हाँ जरूर ले लीजिए। शांति बेटी, दुर्गा जी। माँ जी, शांति बेटी जल्दी से तैयार होना, नया मकान देखने जाना है। अच्छा दुर्गा, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। ए, देर हो रही है, सुना नहीं? मैं बहरी नहीं हूँ। माँ जी, आप दीदी को ले जाइए, मैं जाकर क्या करूँगी? करना कुछ नहीं, आँखों से देखना है, मुँह से कहना है तुझे घर पसंद आया कि नहीं। मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ,
माँ जी से कहा मैंने? माँ जी कह रही हैं, अंकल कह रहे हैं, और तू अपनी बात पे अटकी हुई है। बड़ों की बात न मानना कहाँ की तमीज है, है? मैं क्या करूंगी? देखो मेरे ना कहने से कौन सी तुम्हारी तमीज की किताब फट गई। हाँ तमीज की किताब पढ़ी हो तो जानती तू। राजेश तू लड़ने लगा। मैं लड़ नहीं रहा माँ, मैं शुभ काम के लिए कह रहा था और इसने ना करके घोटाला कर दिया। बस मेरे दिल को चोट। दिल ना हुआ कांच की शीशी, मैंने पत्थर मारा और चूर चूर हो गया। नहीं दुर्गा बेटी, आपस में झगड़ा नहीं करते, चलो जल्दी से करो। माँ ये जहाँ भी जाएगी झगड़ा करेगी, नहीं जाती तो मरने दो। मरे मेरे दुश्मन, मैं कब तुम्हारे पैर पड़ी थी और साथ जाने के लिए? मैं अभी अभी आ आइए आइए, आओ भाई आओ। बहन जी मैं इसी मकान के बारे में कह रहा था, गौर से देख लीजिए, अगर पसंद हो तो मालिक मकान से बात चलाई जाए। मकान क्या भैया, स्वर्ग है स्वर्ग, मुझे तो बहुत पसंद है। आप मकान मालिक से बात पक्की कर लीजिए। अच्छा भाई तुम लोग भी नीचे ऊपर गौर से देख लो। हाँ जाओ जाओ जाओ। क्या तू सामने बोतल की तरह खड़ी हो गई, हट। वाह वाह, क्या कमरा है, वाह। बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया है। वाह किस बोंदू ने बनाया इस बंगले का नक्शा? क्यों क्या बुराई, कितना सुंदर बंगला। हाँ सुंदर है, चारों तरफ से तो खुला हुआ है। किसी को दड़बे में रहना पसंद है तो अलग बात, लेकिन क्या मकान है, खुली हवा रोशनी, खड़े होकर चारों तरफ का नजारा देखो। जी और अपना भी नजारा दिखाओ। क्या मतलब? औरतें नहा कर आएंगी तो कपड़े कहाँ बदलेंगी? तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, औरतें नीचे बाथरूम में नहाएंगे और कपड़े बदलने के लिए ऊपर आएंगे। नहा कर तो कपड़े बाथरूम में बदलेंगे, लेकिन जब बाहर जाएंगी तो क्या बाथरूम में कपड़े बदलेंगी, बाथरूम में सिंगार करेंगी वो? हाँ? नीचे जाके तो देख कितने अच्छे कमरे हैं, दिन भर कपड़े बदल, दिन भर सिंगार कर, लेकिन तुझ जैसी बंदरिया को सिंगार से क्या? और किसी लंगूर को मुझे बंदरिया कहने का क्या हक? देख अगर तूने ऐसी बात कही तो मैं कुछ कह दूंगा। अच्छा राजेश तुम बंगला देखने आए हो या झगड़ने के लिए? हाँ देखो ना माँ, मैंने तो बस इतना ही कहा। तुमने क्या कहा था, अपना सर कहा था? देखा देखा अंकल देखा? क्या ये बंगला बुरा? हाँ बुरा है माँ, ये मर्द तो होते ही है बेपर, क्या औरतें भी हो जाए? नहीं बेटी, औरतों का गहना ही पर्दा होता है। माँ एक तरफ की बात सुनकर फैसला मत कर तू। तो चुप रहे भैया, इन लोगों के झगड़े दुनिया में हर झगड़े की कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन ये दोनों पहले झगड़ लेते हैं फिर वजह ढूंढते हैं। आ बेटी आओ मेरे साथ चलो, आओ नहीं तो फिर झगड़ा होगा। माँ प्रेम कहाँ है? नीचे है। और शांति? वो भी नीचे है। माँ तूने बहुत बड़ी गलती की, चल। देखा माँ, भैया और शांति दोनों कमरे में से अकेले बाहर। प्रेम क्या है माँ, क्या बात है? मैं भी यही पूछती हूँ, ये सब क्या है? क्या है माँ, मैंने क्या किया है माँ? शर्म नहीं आती? हम जब से यहाँ आए हैं तो शांति के पीछे लगा है। पीछे मैं? माँ जरूर तुम्हें किसी ने बहकाया है, किसी ने बहकाया होगा। तो फिर तुम दोनों उस कमरे में क्या कर रहे थे? माँ शीशे और अलमारियां देख रहा था, वो मेरे पीछे आ गई तो मैं क्या करूँ? आप लोग तो खामखा मुझ पर शक करते हैं। वाह भाई साहब वाह, अगर आप किसी लड़की के साथ बात कर लें तो क्या उसकी शादी किसी और के साथ हो सकती है? आप लोग मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगाएं, लेकिन माँ मेरी भी कुछ सुनो। जहाँ तक शांति का सवाल है, मेरा मन बिल्कुल साफ है। मन और आपका साफ? भाई साहब शादी के ऐसे वादे आप बर्मा में कई लड़कियों को दे चुके हैं, लेकिन आपके आते नहीं बदलेंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। नहीं आप नहीं, मैं वाकई शांति से शादी करना चाहता हूँ। खामोश, ऐसी बातें करते तो शर्म नहीं आती? तू तो झट से राजी होगी, क्या शांति भी राजी होगी? तो फिर आप गौर से सुन लीजिए, आप लोग चाहे जितनी भी रुकावटें डालें, शांति शादी मुझसे ही करे। वाह भाई साहब वाह, सुना माँ दो चार दिनों में ही बात शादी तक पहुँच गई।
तू अपनी बात छोड़। क्या तुझ जैसे आवारा की बात सेवक राम मान जाएंगे? माँ, सेवक राम जी की क्या बात कर रही है, अपनी बात कीजिए। क्या ये बात मुनासिब है कि उस देवी स्वरूप लड़की को इनके गले में बांध दिया जाए? सेवक राम मंत्र क्या कहेंगे? वो हो माँ, इसमें इतनी चार की क्या जरूरत है। बिल्कुल बदल गया, मैं सच कहता हूँ, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। बहन जी की सोच पड़ गई। भाई साहब, मैं सब सुन चुका हूँ बहन। बात ऐसी बने कि बात बन के रह जाए और सबको आनंद मिले। तो क्या आप शांति की शादी प्रेम से कर सकते हैं? फैसला तो यही होना चाहिए अगर आप मुझे इज्जत दें। भाई साहब, आपका ये फैसला कहीं आपको दुखी न कर दे। लेकिन आपकी चिंता का अंत तो होना चाहिए। आपको मालूम नहीं प्रेम बहका हुआ। इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं? हाँ, वो गलत रास्ते पर जाते उसके पांव में बंधन डालना चाहिए था। मैं प्रेम पर भरोसा करके किसी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद करूं? बहन जी, इस पगले पने का इलाज सिर्फ शादी है। और आप सोच रहे हैं पागल अच्छा हो जाता उसकी शादी की जाए। शादी कर दो, सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए। मां, एक बार फिर सोच लो, मैं इस फैसले के खिलाफ। Yes, darling, I am here. अरे मैं, तुम किधर छुपा हुआ है? Darling, मैं इधर है। Darling, ये तुम क्या मॉडल बनाता है? एकदम दबा कमाते, हमको तो पिजन होल लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे बाबा, हमारा कस्टमर लोग का भेजा डब्बा का माफक हो गया, उनका बात समझ में नहीं आता, उसको अल्ट्रा मॉडर्न बोलता, लेटेस्ट बोलता, खास बोलता है, तुम्हारा खोपड़ी पर फिरेला है। अरे हमारा खोपड़ी नहीं फिरेला, वो लोग का खोपड़ी फिरेला है, इसके बाद हम डिजाइन फिरा दिए। नो मैन, हम बाहर जाता है, एक से एक लेटेस्ट मॉडल देखता है। अरे तू बाहर देखता है, हम तुमको अंदर दिखाता है। चलो हमारे साथ इधर आओ। तुमको मालूम ये क्या? राइट, पर तुमको इसका लाइफ हिस्ट्री नहीं मालूम। जब हम छोटा था, अपना विलेज में था, तो हमारा विलेज का नाके में एकदम खड़ा होकर जलता था। अभी सिटी में छोटा हो गया, ऐसा लटक गया, उधर घास तेल से जलता था, इधर इलेक्ट्रिक के धक्के से चलता। दिस इज लेटेस्ट। हाँ ठीक है मैं, आप इधर आओ। व्हाट इज दिस? ये कोई डिजाइन है? अरे तुम चांद का फोटो देखा? यस। उसका अंदर खड्डा खड्डा देखा? यस। अरे वो चांद का डिजाइन का हम बिल्डिंग बनाया, वो खड्डा के अंदर आदमी लोग रहेगा, वो लोग का खोली है। What? आदमी लोग खड्डा में रहेगा? Oh God! अरे गॉड को क्या बोलता, आदमी खड्डा में गिरने को मांगता, हम क्या करेगा? Darling, हम मकान से मकान, बंगले से बंगला, धना धन बनाते हैं और हम बहुत प्रॉफिट से उसको बेचते हैं। लेकिन Darling, हमको शक है कि हमारा बंगला आजकल के झटकों को, जलजले के झटकों को बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा। हमको भी झटका लगता है कभी। कंट्री कस्टमर आ गया। यही आपका बंगला खरीदना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा मिसेस से मिलिए, मिसेस परेरा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कम सिट डाउन प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मिस्टर सेवक्राम, सिस्टर ने बंगला देखा? हाँ हाँ, आपका बंगला बड़ा अच्छा है। देखो सिस्टर, अच्छा मकान और अच्छा बीवी किस्मत वाले को मिलता। सच कहा आपने, मगर बंगले की कीमत तो बताइए। ओ सिस्टर, हम आपसे जास्ती कीमत नहीं लेगा, अभी आप हमारा पड़ोसी हो गया, अच्छा पड़ोसी किस्मत वाले को मिलता। लव थाई नेबर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन ठेकेदार साहब। ओह नो, आई एम कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर साहब, इस मकान की कीमत तो बताइए। कुछ भी नहीं, ओनली 1,50,000। 1,00,000? देखिए कुछ कम कीजिए। तुम प्राइस अप एंड डाउन करेगा तो वो अंदर चले जाएगा। मैम साहब, हम प्राइस अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, हम तो ठेकेदार साहब, कॉन्ट्रैक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10,000 कम कर दीजिए। अरे बाबा, हम 10,000 नहीं, हम 20,000 भी कम करने को सकता। पान, हम बंगला के अंदर से 4 खिड़की 4 दरवाजा 1 कमोड निकाल देंगे, चलेगा? अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम 1.5 लाख रुपए देंगे। वेल डन। देखो मिस्टर, औरत लोग को खिड़की दरवाजे का इज्जत बरोबर मालूम, चोरी नहीं होना, इज्जत देना। आप जानते हैं आपका मकान हम लोगों ने क्यों पसंद किया? ओह यस ऑफ कोर्स, हमारा मकान बहुत मजबूत होता, हवादार होता, हम मकान के अंदर बहुत अच्छा मजबूत मटेरियल इस्तेमाल करता, अंदर से
इन सब बातों से बढ़कर बात ये है कॉन्ट्रेक्टर साहब कि आपके मकान में कदम रखते ही मेरी लड़की और उनके लड़के की शादी पक्की होगी। देखा मिस्टर, हमारा मकान बहुत लकी होता, अंदर एंट्री के साथ में शादी का बात पक्का होता, मकान के अंदर बसने के बाद में 5 महीने में बच्चा होता। 5 महीने? आई मीन 5 + 5 = 10। लंबा मैरिज करता, हम तो बोर हो गए। अपना मैरिज का सारा सब कटाकर। अरे डार्लिंग, तुमको मैरिज का फिलोसफी नहीं मानू, छात का शादी पट से टूटता। ये प्यार मोहब्बत का गाड़ी जितना मजबूत बनेगा ना, मैरिज उतना लंबा उतना मजबूत जाता। अरे जन्म जन्म का फेरा रे। अनुबान कुमार हो वही बेटो बोल स्वीट। शांति, कब से बेकरार था तुम्हें पहलू में लेने के लिए? एक बात पूछूं? जरूर। सुहाग रात बात करने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए और कुछ। तुम्हारी मुस्कुराहट बिखरते ही गुस्सा तो गुस्सा, मैं भी बर्फ बन जाऊंगा। बोलो शांति, आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सुनी हैं? उल्टी नहीं शांति, सब सीधी बातें सुनी हैं। पहले मैं हमेशा उल्टा चलता था, एक लापरवाह इंसान की तरह हमेशा अपनी मनमानी करता था। मेरी जिंदगी की नाव बिना पतवार की तरह भटक रही थी, लेकिन अब मुझे अपना किनारा मिल गया है, अपनी मंजिल मिल गई है। आज जिन हाथों ने तुम्हारे हाथों को थामा है, अब ये हाथ किसी और लड़की के हाथों को नहीं छुएंगे। जो आंखें तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में खो गई है, वो आंखें अब और किसी लड़की की आंखों में नहीं उलझेंगी। देखो देखो देखो। यस। अरे हमको क्या दिखता है, मैं इधर देखो कैसा आंखों में आंखें डाल के दिखता है दोनों। व्हाट अ लव, कितना प्रेम है दोनों में। यस यस, कितना मोहब्बत है दोनों में। मेरी डार्लिंग, इन दोनों का मोहब्बत देखकर हमको अपना वेडिंग नाइट याद आता। कहां क्या आता है, देखा देखा कैसा वो अपने भाई को पास लाता है। मेरी डार्लिंग, हम अपना वेडिंग नाइट में तुमको भी अपना पास लाया था, लेकिन तो वो छोटी को माफी शर्माया नहीं था। अपना शर्म तो कोशिश का मोहब्बत में खत्म हो गया था। तुम्हारा मतलब है वो लोग का मोहब्बत आज रात को शुरू होता। ओह यू आर नॉटी। अच्छा भाई जी। भाई साहब, इतना बड़ा घर है, मैं चाहती हूँ आप भी यही रहे। बहन जी, आप तो उल्टी गंगा बहा रही हैं, कहीं बाप भी बेटी के घर रहा है। वैसे मेरे लायक जो सेवा होगी मैं आ जाए करूंगा। अच्छा शांति, कुछ दिनों के लिए दुर्गा यही ठहरे तो? हाँ क्यों नहीं, क्यों दुर्गा बेटी रहेगी ना मेरे पास, पिताजी कहेंगे तो क्या। अंकल से क्या पूछ रही है, अपने मन की बोल, क्या तो दूध पीती बच्ची है। हा? तुम्हें इससे क्या, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुम्हें, यहाँ वहां जाने पर साफत को यहाँ से। हाँ ये बात है माँ जी, मैं यही रहूंगी इसी घर में रहूंगी पिताजी। हाँ अच्छा बहन जी, ये यही रहेगी। हाँ मुझे आ गया। अच्छा देखो, अच्छा
वाह, कितना खूबसूरत मौसम है। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाइए ना। तुम्हें देखकर ही पेट भर जाए। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सच, मेरी बातें इतनी अच्छी लगती हैं। तब किसकी बातें अच्छी लगेंगी। अच्छा सुनिए, इन गर्मियों में महाबलेश्वर या किसी ठंडी जगह चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ऐसी जगह तुम्हारे साथ जाने में क्या मजा। क्यों, तुम्हारे साथ तो हर जगह एक ऐसी लगती है। मैं अभी आता हूँ। नारियल कैसे हैं? बहुत अच्छा है साहब, एकदम पानी वाला, मीठा मलाई वाला।
75 पैसे का एक, आप भी लीजिए ना। लगता है तुम्हारे नारियल के खास पेड़ के हैं। लो लीजिए। ए मेम साहब, बगैर पैसे दिए जा रही हो? देखिए भाई साहब, मेरे पास यही कहीं के गया है, मैं अभी आती हूँ। ए मेम साहब, नारियल लेने से पहले पैसे देख लिए होते। देखिए भाई साहब, मेरा पर्स मिलते ही मैं आपको पैसे दे दूंगी। और अगर नहीं मिला तो वहीं से भूल, ये पट्टी किसी और को पढ़ाना, समझे? बड़े कितने पैसे मेम साहब के? 75 पैसे। ये लो, हम दोनों के पैसे। और देखो, इंसान को देखकर तमीज से बात करना चाहिए। बेचारी कह रही है कि उनका पर्स खो गया है। और भाई, तुम भी धंधे वाले हो, हर आदमी से प्यार से बात करना सीखो, समझे? सुनिए तो, सुनिए। यस, आपने मुझे बुलाया? मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। 75 पैसे के लिए धन्यवाद? कुछ बड़ी बात के लिए धन्यवाद देती तो मैं मानता, ये तो। अगर आप मेरी मदद न करते तो न जाने किस मुसीबत में पड़ जाती। इट्स ऑल राइट, लेकिन अब आप अपने घर से कैसे जाएगी? आपका पर्स तो खो गया है। मैं अपनी सहेलियों से बस फेयर ले लूंगी। कमाल है, बस फेयर के लिए आप दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगी? अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, मेरे पास कार है। घबराइए नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक लेडी भी है। अच्छा? जी हाँ, आप अपनी सहेलियों से मिलाइए, मेरी कार वहाँ खड़ी है, वहाँ आ जाइए। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। सुनिए, मेरे साथ जो लेडी है उससे बात बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? बात दरअसल ये है कि उस नारियल वाले की खोपड़ी की तरह उस बेचारी के दिमाग के एक दो पुर्जे ढीले हैं। अच्छा जी। शांति, बड़ी देर कर दी, इतनी देर कहाँ चले गए थे? तुम्हारे लिए नारियल पानी लाया। ओफो, आपको कैसे मालूम मुझे नारियल पानी पसंद है? शांति, आजकल के जमाने में हर मर्द को अपनी बीवी की पसंदी या ना पसंदी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल शांति, एक लड़की का पर्स खो गया है, उस बेचारी के पास बस का किराया भी नहीं, लोगों से बस के किराए के लिए मदद मांग रही। मैंने सोचा मदद दे दूं या उसे अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ दूं। बाद में सोचा मैं क्यों सफर में पड़ूं, मैं चला। ये बहुत बुरा किया आपने, उसे मदद देनी चाहिए थी। वैसे तो वो बड़े शरीफ रहने की लड़की लगती है। जाइए उसे बुला लीजिए, हम उसे घर तक छोड़ देते हैं। अच्छा, जैसा तुम चाहती हो। अंदर आइए। जी नहीं, फिर आऊंगा। प्लीज थोड़ी देर के लिए आइए। तुम यही बैठो, मैं एक मिनट में आता हूँ। अरे कल्पना बेटी, तुम तो शाम तक आने वाली थी, जल्दी ही लौट आई। हाँ डैडी, आज मैंने पहली बार धोखा खाया। धोखा? कैसा धोखा? किसी बदमाश ने मेरा बटवा उड़ा लिया, वो तो अच्छा हुआ कि आपने मेरी मदद की। डैडी, ये है मिस्टर प्रेम। नमस्ते। और ये है मेरे ब्रदर जगदीश। हेलो। बैठिए बेटी, जल्दी से मेहमान के लिए चाय लेकर आओ। बैठिए। थैंक यू। वो अकेली कार में बैठी हुई है, उन्हें भी बुला लीजिए ना। जी, वो चाय नहीं पीती। ठंडा पिएगी? जी रहने दीजिए, बाद में ठंडा करना मुश्किल हो जाएगा। कौन है वो? जी वो मेरी दूर की रिश्तेदार। अरे कमाल है, आपकी रिश्तेदार बाहर में थी? मिस्टर जगदीश, वो जहाँ है वही ठीक है। बात दरअसल ये है भाई साहब, उस बिचारी का कुछ दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग ठीक नहीं है? शादी हो चुकी है? जी शादी शुदा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका हावन नहाय के बच्चे में निकला है, बेचारी को यहाँ छोड़कर सिंगापुर चला गया। इसीलिए कहता हूँ बेटी, पहले प्रेम फिर शादी। डैडी, शादी के बाद भी तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा कल्पना जी आपने, शादी के बाद इसके पति ने यही हरकत की,
इस बेचारी को रोती हुई छोड़कर यहाँ से चला गया है। क्या इस बेचारी का इस दुनिया में माँ बाप भाई बहन कोई नहीं? जी नहीं, मैं तो एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। ये घर में बैठकर अकेली रोती रहे ये भी देखा नहीं जाता। इसका दिल बहलाने के लिए साथ लेकर घूमना फिरना भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? जानने वाले जो जानते हैं और ना जानने वाले जो समझते हैं कि मैंने शादी कर ली। ओ, क्या शायद इसलिए आपने शादी नहीं? मैं शादी कैसे कर सकता हूँ जगदीश बाबू, मेरे सामने जो बवाल खड़ा है। मैंने अपने आप से वादा किया है जब तक इसका हाथ इसके पति के हाथ में नहीं दूंगा मैं सांस नहीं लूंगा। भगवान तुम्हारी मदद करे। नमस्ते। अरे वाह, घर न हुआ दरिया का किनारा हो गया। अरे ओ बिन पानी की मछली। किसे कहा मछली? आंखें हैं या सुचंदर, इंसान और जानवर में कोई फर्क नजर नहीं आता तुमको? अरे अगर इंसान जानवर की सी हरकत करने लगता है तो जानवरों में शुमार हो जाता है, समझी कि नहीं तू? क्या जानवर बन गया मैंने? तो फिर ये क्या है? घर में पलंग है, बिस्तर है और तू यूं कमरे के बीचों बीच फर्श पर लेटी हुई है। तो इसमें क्या बुराई है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, बुखार है मुझे, इससे चुपचाप लेट गई। बुखार? हाँ। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? और बुखार के वक्त कोई ठंडे फर्श पर लेटता है? किस उल्लू ने तुझे ये सलाह दी? ओ, कितना बुखार है। दुख दर्द के वक्त ही आदमी आदमी के काम आता है, लेकिन अगर कोई कुछ कहे नहीं तो दूसरे को पता कैसे चले, और अगर पता ना चले तो दूसरा करे तो क्या करे? हम आदमी हैं, अच्छी तरह जानते हैं बुखार क्या है, सिर दर्द क्या है, लेकिन ऐसे मौके पर अगर कोई कहे कि वहां बाम रखा है जरा सिर पे आके लगा दो तो कौन उल्लू का पट्टा ना कहे? बाम उस अलमारी में रखा है, अगर कोई लाकर सर पर मल ले तो कौन उल्लू की पट्टी मना कर देगी? अच्छा अच्छा बताता हूँ। कितना बुखार है, माथा तवे की तरह तप रहा है, इतनी लापरवाह है। तो मैं क्या करती? मुझे बताती। आप क्या करते? मैं दवा देता, डॉक्टर को बुलाता। उससे क्या होता? ठीक हो जाती। इसकी क्या गारंटी? अगर मर जाती? मर जाती तो मर जाती। राजेश, ये क्या जिना मरना लगा रखा है, क्यों झगड़ा कर रहा है? माँ इसको तेज बुखार चढ़ा हुआ है, यूं ही बड़बड़ कर रही है। पागल कहीं, डॉक्टर को बुलाने की बजाय झगड़ा कर रहा है इससे। मैं जाता हूँ माँ, बुलाता हूँ डॉक्टर को। मेरे ख्याल में इसके मेरे झगड़े की जड़ पिछले जन्म से चली आ रही है। हाँ हाँ, मुझे डर है कि अगले जन्म तक मैं चली जाए। मैं इसी जन्म में काट दूंगा माँ। मैं देख लूंगी बेटे। वाह मिस्टर वाह, इस ऑर्डिनरी बुखार के लिए तुमने ऐसी जल्दबाजी की कि उसे फिर शाम हो गया है। अस्पताल में डिलीवरी केस छोड़कर आई हूँ, दो ही गोलियों से उसका बुखार गायब हो जाएगा। डॉक्टर, बुखार चाहे ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको पूरे हफ्ते सुबह शाम इसे देखने आना पड़ेगा। ये चाहे बुखार से मर भी रही हो फिर भी मुंह से उफ नहीं करेगी, ऐसे खानदान की लड़की रहो। हफ्ता नहीं डॉक्टर, आपको पूरा महीना रोज सुबह शाम मुझे देखने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चुपचाप भी लेटी रहूंगी ना तो ये समझेंगे मुझे डबल निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया है मुझे। ये ऐसे खानदान के हैं। अच्छा, अच्छा मैं जाती हूँ। भाई साहब, मेरे और आपके बीच जो दुर्गा के बारे में बातचीत तय हुई है वो बात राजेश से छेड़कर उसका मन टटोलो। नहीं बहन जी, अभी नहीं, देखती नहीं, वो सनका हुआ है, उल्टा जवाब दे दिया, बात बिगड़ जाएगी।
फिर भी पूछ कर देखती हूँ, कहता क्या है। सो आपकी मर्जी। अरे राजेश, क्या बात है माँ? एक जरूरी मामले में तुम्हारी सलाह लेनी है। क्या मामला है माँ? वो अपने भाई साहब है ना, उनको दुर्गा की बड़ी चिंता लगी है। चिंता की क्या बात है, डॉक्टर आया, देखा, दवा दी, मामूली सा बुखार है, दो तीन दिन में ठीक हो जाएगी। ओहो बुद्धू कही, मैं कुछ और कह रही हूँ। बोलिए क्या बात है? देखता नहीं दुर्गा पहाड़ की तरह बढ़ गई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे उसका बाप उसकी शादी कर देना चाहता है। हाँ तो कर दे, रोक कौन रहा है उसे। लेकिन करे तो कैसे करे, क्योंकि अड़चन है। हाँ है। तो पैसे की? नहीं। तो फिर? भाई साहब ने बहुत तलाश की और उनको कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिला। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तू ही कर सकता है। क्या मतलब? बेटा तेरा अच्छे अच्छे घरों में आना जाना है, तू ही दुर्गा के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश कर दे। क्या मैं दुर्गा के लिए लड़का तलाश करूँ? हाँ। अंकल जाए दो चार घर देख के लड़का तलाश कर रहे। अच्छा तो फिर मैं भाई साहब से कह देती हूँ कि दुर्गा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखे और शादी कर दे। देख फिर कुछ ना कहना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं कुछ कहूंगा माँ? जरा बाहर जा रहा हूँ, कोई खास काम है? जी नहीं, यूं ही पूछ लिया। कोई काम नहीं तो फिर टोकरी की क्या जरूरत थी? पूछो क्या पूछना चाहती। उस दिन पिकनिक पर उस लड़की का बटुआ खो गया था, वो मिल गया। उस बटुआ में तुम्हारा क्या रखा है? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर तुम्हें उसकी याद कैसे आई? बस यूं ही ख्याल आ गया। जाइए। देखो शांति, मेरे ख्यालों से अपने ख्यालों को टकराने की कोशिश मत करो। मैं कहां जाता हूं, क्यों जाता हूं, इसका जवाब मैं अपने आप को भी नहीं दे पाया। मां को भी हमेशा खामोश रह जाना पड़ा। मैं अपने मामले में किसी का दखल पसंद नहीं करता। ओके? हेलो प्रेम। हेलो कल्पना, हाउ आर यू? फाइन। अभी अभी आए हैं और अभी अभी जा रहे हैं। आए बाद में और जाने का तकाजा पहले। लेकिन बेटी हमने नहीं जाने दिया इन्हें, हमने कहा कि हमारी बेटी कल्पना से मिले बगैर नहीं जा सकते। डैडी वो जो बात मैंने आपको अभी भी कही है कल्पना को कह दीजिए ना। अब्बर खुरदार खुद ही बता दीजिए ना, हमारी बेटी सुनकर खुश हो जाएगी। क्या बात है? कल्पना तुम्हें याद है उस दिन वो लड़की जो मेरे साथ थी? हाँ हाँ। उसके हस्बैंड की चिट्ठी सिंगापुर से आ गई है और वो बहुत जल्द यहाँ उसे वापस ले जाने के लिए आ रहा है। ओह गुड, इसका मतलब आपको फौरन छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा कैसा, हम तो इन्हें दूसरे बंधन में बांधने का प्रबंध कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाने आया था। अच्छा डैडी मैं चलता हूँ, नमस्ते। देखो बेटा अब तुम्हारा आना जाना हमारे हाथ में नहीं, इसके हाथ में है, इससे पूछो। अच्छा मैं चला। हेलो कौन? आप कल्पना के घर से बोल रही हैं? हाँ हाँ मैं कल्पना बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? मैं शांति बोल रही हूँ। शांति? कल्पना टेलीफोन मुझे देना। हेलो शांति, आप? हाँ हाँ मैं प्रेम बोल रहा हूँ। जी जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे पगली हो, टेलीफोन से ये जानना चाहती हो कि तुम्हारा पति हवा में उड़ रहा है या पानी में तैर रहा है? अरे भाई कह दिया ना, या तो वो हवाई जहाज से आएगा या पानी के जहाज से आएगा। बाय बाय। क्या बात है? कुछ नहीं कल्पना,
उसके पति ने लिखा है कि मैं आ रहा हूँ। बेचारी सोच रही होगी अगर उसका पति हवाई जहाज से आ जाए तो अच्छा हो। हवाई जहाज से? अरे भाई हवाई जहाज से आने से क्या फायदा होगा? जल्दी मिलन होगा। क्या पागलपन है। मर्द तुम क्या जानो हमारे सुने जीवन का दुख दर्द। तुम जानती हो? जानती इसलिए तो कह रही हूँ कि रोज मिलने आओ। कल्पना ये रोज मिलने जुलने का सिलसिला अब मैं जल्दी ही खत्म करने वाला। अच्छा अब मैं चलता हूँ फिर मिलूंगा। बाय बाय। तेरी ये हिम्मत मेरी जासूसी करती है? क्यों किया फोन? कहां से मिला तुम्हें कल्पना का फोन नंबर? क्यों है? और वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बताती हूँ इसीलिए पूछ रही थी। मुझे बांध कर रखना चाहती है क्या? फिर फोन करेगी? रेगी फोन? नहीं नहीं मुझे माफ कीजिए, भूल से कर दिया था मैंने फोन। भूल से या जान भूल कर? ये मालूम करना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ? फोन करेगी? ओह गॉड मिस्टर प्रेम कम हियर कम हियर कम हियर। मिस्टर प्रेम ऐसा प्रेम करना अच्छा नहीं है। मिस्टर प्रेम डोंट बी प्लीज मत मारो, तुम्हारा वाइफ एकदम गरीब गाय का माफिक है। हमारा हस्बैंड हमको मारता तो पुडिंग बना देता। यस आप लोग नहीं जानते इसका तो खून कर देना चाहिए। मर्डर मर्डर। मिस्टर प्रेम हाथ चलाना बंद करो, पैर चलाओ। क्या बताएं? आई मीन उधर पैर मत चलाओ, पैर चलाकर हमारे पास इधर आओ। प्लीज 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 मिस्टर प्रेम, मिस्टर प्रेम ऐसा मत देखो, देखो अपना वाइफ को तुमको फिर कुछ आएगा। प्लीज यू कम इधर इधर आओ इधर आओ। कहिए क्या बात? मिस्टर प्रेम प्लीज प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। कहिए मिस्टर प्रेम ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। दिस इज वेरी बैड वेरी बैड। क्या आप लोगों में शादी के बाद वाइफ को मारने का रिवाज है? आप लोग नहीं जानते मिस्टर प्रेम। इट्स ऑल राइट डार्लिंग, ठीक है बिल्कुल ठीक है। और मतलब बहुत हरा किस्म का बात होता है, हमको जानने का दरकार नहीं है। लेकिन लेकिन ये बहुत जुलम है मिस्टर प्रेम, बहुत जुलम है। मिस्टर परेरा अगर मेरी जगह आप होते तो खून कर देते अपनी बीवी का। नो 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 मिस्टर प्रेम, हम ऐसा गलती से भी नहीं करेंगे। अगर हम दोनों का कभी धांधली हो गया तो हम तलाक जरूर दे देंगे। व्हाट डार्लिंग, हम खाली मिस्टर प्रेम को समझाता है कैसा धनाधन धनाधन मारने से बेटर है तुम उसको तलाक दे दो। नो और आपको तलाक देने से तो उसको मार डालना बेहतर है। यस क्लियर। आई मीन मिस्टर प्रेम अगर तुम हमारा वाइफ का बात मानता है तो उसको मार डालो, अगर हमारा बात मानता है तो उसको डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो। पड़ोस में रहता है, रात दिन झगड़ा करता है, अगर तुम्हारा तुम्हारे वाइफ से नहीं बनता है कोर्ट में जाओ तलाक ले लो। मिस्टर प्रेम हमारा बोलने का मतलब यह है कि जिंदगी का बिल्डिंग को प्यार का मोहब्बत का प्लास्टर चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ता तलाक का सुरंग लगा के तुम उड़ा डालो। तुम आदमी हो या कैसे हो? तुम मैंने क्या बोला? तुम लड़ाई झगड़े का वजह नहीं जानता, समझौता करने की कोशिश नहीं करता, उल्टा डायवोर्स देने की सलाह देता है। तुम क्या बोला उसको? बोला मोहब्बत नहीं होता तो तलाक दे दो। शट अप यू शट अप यू शट अप यू आर हर्टिंग। ये गेंद किसने मारी? अरे गेंद थी, लग गई, कोई बम तो नहीं गिरा तुम्हारे पर, इतनी बिगड़ रही हो।
शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चों में खेलता है। तो फिर क्या तेरे जैसी पगली के साथ खेलूं? ए, किसे पगली कहता है? तू होगा पगला? देख मैं बहुत बुरा हूँ, ज्यादा बातें मत कर। चुप क्या, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। सिर्फ प्यार चली जाओ। एक छोरी है गोरी गोरी है, थोड़ी छोटी है थोड़ी मोटी है। आओ तुमको मैं बतलाऊं कि पगली कैसी होती है। एक छोरी है ओ गोरी गोरी है, थोड़ी छोटी है थोड़ी मोटी है। आओ तुमको मैं बतलाऊं कि पगली कैसी होती है। एक छोरी है ये रूप की रानी भाग के आई है दीवानी सीधी पागल खाने से। ओए 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 देख लो ये रूप की रानी भाग के आई है दीवानी सीधी पागल खाने से। अरे मोहन सोहन आओ मेरी यारो जान बचाओ, मेरे पीछे पीछे दौड़ी है एक छोरी है गोरी गोरी है, थोड़ी छोटी है थोड़ी मोटी है। आओ तुमको मैं बतलाऊं कि पगली कैसी होती है एक छोरी है। पूछो गाँव तो पूछो हमसे क्या है काम, तो पूछो क्यों आई इस गाँव में। मस्ती में झूम रही है गलियों में झूम रही है, किस चांद की जान चकोरी है एक छोरी है गोरी गोरी है, छोटी है थोड़ी मोटी है। आओ तुमको मैं बतलाऊं कि पगली कैसी होती है एक छोरी है गोरी गोरी है। क्या करे तुम मिट्टी खा रही हो? हाँ मांग रहे देखो भाभी मिट्टी खा रही, इससे पेट खराब हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। समझ नहीं आती इतनी बड़ी होके भाभी मिट्टी खा रही है। बीमारी तुम्हारी अक्कल को हो गई, कहते हैं मिट्टी खाने से ये हो जाता है वो हो जाता है। तू खा के देख, देख थोड़े दिनों में क्या होता है। मैं क्यों खाऊं मिट्टी? माँ जी समझा दो इन्हें, वरना हाँ। अरे पति जब बच्ची की आंख होती है तो औरतों को मिट्टी खाने को जी करता है, छठी चीजों की इच्छा। आया वाले शरीर में दीदी को बच्चे की आंख। इसका मतलब है मैं चाचा बनने वाला हूँ।
मैं चाचा बनने वाला हूँ। माँ जी मुझे देखो चाचा का। अरे तू अपना थोबड़ा पहले आईने में जाके देख। तेरे पिताजी आए हैं, उन्हें ये खुशखबरी सुना। हाँ माँ जी। पिताजी क्या ना बोल ना। दीदी को क्या हुआ? दीदी को जी बच्चे की आस है। जा मैं तुम्हें जाने सुखा दी। हाँ बहन जी का दुर्गा बेटी। हाँ माँ जी मैं खाना बना लूंगी। जा तू जल्दी से नहा धो के सज धज के तैयार हो जा। किसने माँ जी? तेरे पिताजी ने लड़का तलाश किया है, वो तुझे देखने आया है। मुझे देखने आया है? हाँ तेरी शादी के लिए। तेरे पिताजी अच्छा सा संबंध ला दी। पिताजी की बात को आप छोड़िए, लेकिन माँ जी अगर आप मुझे घर से धकेलना चाहती है। बेटी मैं क्या जवाब दूँ? तू लड़के को देख ले, लड़का तुझे देखे, अगर एक दूसरे को पसंद है तो आगे बात चले। अगर आप कहती हैं तो मैं सोलह सिंगार करके जाऊंगी। वो लड़का भले ही मुझे देख ले, लेकिन मैं उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं हूँ माँ जी। दुर्गा दुर्गा बेटी ये क्या पागलपन है? बेटी तुझे घर संसार बसाना है, अगर तू उस लड़के को नहीं देखेगी तो मैं देखू या ना देखू जहन्नुम में जाऊँ। वो भले मेरी सूरत देख ले, लेकिन मैं किसी की शक्ल देखने को तैयार नहीं हूँ माँ जी। बेटी मैंने तुझसे क्या कहा जो तू रोने लगी? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तू लड़के को देख ले पसंद है या नहीं। तू तो ऐसे रोने लगी जैसे मैंने तेरे गले में अभी घंटी बांधी। ठीक है माँ जी, जो आप चाहे करें। मैं क्या जानू बेटी, अगर तेरे मन में कोई दूसरा है तो मुझसे कहे। नहीं मेरी कोई मर्जी नहीं, जहाँ आप मुझे धकेलेंगे मैं वहाँ गिरने को तैयार हूँ, चाहे वो कुआ हो खाई हो कुछ भी हो। भाई साहब सुन लिया दुर्गा का जवाब? बहन जी जवाब को छोड़ो, गौर किया किस तेवर से बातें कर रही थी। इतना होने पर भी उसके मुंह से ये नहीं निकला कि मैं राजे से शादी करूं। बहन जी वो आसानी से काबू में आने वाली लड़की नहीं है, आखिर किस खानदान की बेटी है? जानती हूँ बड़ी सिद्धि खानदान की लड़की है। इसकी थोड़ी सी झलक मिल गई है, राजेश आ रहा है, उसका भी मन तो ढूंढ के देख लीजिए। माँ क्या है बेटे? ये हॉल में लड़का कौन बैठा हुआ है? क्यों कैसा है लड़का? ठीक है, लेकिन ये मामला क्या है, कौन है वो? दुर्गा के लिए तलाश किया है। दुर्गा के लिए? हाँ बेटे, उस दिन तूने ही तो कहा था ना कि उसका बाप लड़का तलाश करे, बेचारा चार घर गया, ये लड़का मिला। पसंद है ना तुझे? मुझे क्यों पूछ रही हो माँ? उस रानी महारानी को पूछो जिसने शादी करनी है। पूछ लिया। क्या कहा उसने? उसने कहा अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे कोई इनकार नहीं। ये कुछ जवाब है? क्यों क्या गलती है उसकी? अगर उसने आपकी पसंद को हाँ कह दिया है तो इसका मतलब है उसने खुद हाँ कह दिया। हाँ बेटे यही समझना चाहिए। अब तो फिर करवा दो शादी, कल ही करवा दो माँ, आज ही करवा दो, मुझे ऐसे क्या लेना, करवा दो शादी, करवा दो करवा दो करवा दो शादी। वाह प्रभु वाह, क्या तेरी लीला है, कैसी दुनिया बनाई है तुमने, कैसे कैसे लोग पैदा किए, कुछ समझ में नहीं आता किसके मन में क्या है, प्यार है मोहब्बत है छल है कपट है या फरेब है। सच कहा है किसी ने, सच कहा है किसी ने, ईश्वर को एक बार समझा जा सकता है लेकिन औरत को समझना नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरा तो जी चाहता है कि दीवार पे सर पटक पटक कर कहूं कि मुझसे धोखा हो गया, मुझसे धोखा हो गया, धोखा हो गया। ये जलीकट्टी बातें किसे सुना रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? अच्छा तो खबर आपको भी मिल गई? जी हाँ, बड़े बाजे गाजे के साथ बाहर खबर मिल गई मुझे। मिल गई ना खबर, अब आपकी क्या राय है? मुझसे क्या राय पूछ रही हो? जब तुमने हाँ कह दी है तो मुझसे क्या पूछ रही है तू? राजे किसने हाँ कहा? माँ तूने खुद ही तो कहा था कि ये किसी के साथ शादी करने को तैयार है, जैसे आप तय करेंगे। माँ जी मैंने इन्हीं की प्रतिमा को मन में बसा कर हाँ कहा था। सुना क्या कह रही है दुर्गा? माँ लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई थी। राजेश फिर वही। माँ इसने अपने मुँह से हाँ कही थी उसके लिए। ओह कितने बुद्धू हो तुम, अगर मेरे हाँ कहने से आपके दिल को धक्का लगा तो मैं माफी मांगती हूँ। ये माफी मांगने का तरीका है माँ? ऐसे कोई माफी मांगता ना पूछता हूँ। अच्छा माँ जी आप ही जरा इनसे पूछिए कि मैं किस तरह माफी मांगू, घुटने टेक कर या झुक कर, वरना फिर कहेंगे माफी मांगने में भी कोई कसर रह गई। हाँ बताइए कैसे माफी मांगे? कटे पेड़ की तरह। कटे पेड़ की तरह? ओ मेरे होने वाले देवता मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो बहन जी उस लड़के को विदा कर दूँ? हाँ भैया
और इन दोनों की लगन की तैयारी करते हैं। दानी अक्षरा गंधा पुष्पा दीपा नैवेद्य बला तांबुला दक्षिणा प्रदक्षिणा विवाह वितर्के। याद ये रखना भूल न जाना, तेरे प्यार में छोड़ा हमने सारा ज़माना। याद ये रखना भूल न जाना, तेरे प्यार में छोड़ा हमने सारा ज़माना। सपने देखेंगी ये आंखें रातों में, बीतेगा सारा जीवन तेरी ही बातों में। वादा करके देखो वादा तोड़ न जाना। Thank you.
मिस्टर परेजा, उस दिन आप तलाक के बारे में कुछ कह रहे थे ना? तलाक? तलाक, तलाक, यस 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 यस। क्या करना चाहिए? इट्स क्वाइट सिंपल मिस्टर प्रेम। देखो, आदमी औरत की शादी का बिल्डिंग जितना उठा पांच से रोको, डन से गिरा दो। अगर फाउंडेशन में थोड़ा सा कॉन्क्रीट है, लास्ट टाइम अपना बीबी को देखो, फटाफट दो आंसू गिराओ, डन से उगाड़ कर फेंक दो। दैट्स ऑल मिस्टर प्रेम। मैं ये नहीं पूछ रहा मिस्टर परेरा, मेरा मतलब है तलाक पाने के लिए क्या करना चाहिए, कानूनी तरीका क्या है, तलाक मिलने के लिए क्या करना चाहिए। तलाक कोई चॉकलेट है कि मार्केट में मिलेगा? अरे उसके वास्ते हस्बैंड इस वाइफ को कोर्ट में जाने को मांगता, उसे जाकर बोलने को मांगता, हमारा दिल के अंदर खट्टा खट्टा हो गया, हम दोनों अपना लाइफ का स्वीट बिल्डिंग अलग अलग बनने को मांगता। तलाक मिल जाएगा? खुश। तुम्हारा तलाक कोई नया बिल्डिंग का नक्शा है कि जिसको पास कराने के बाद टाइम लगेगा? और तुम्हारे पास तो कोई बाल बच्चा भी नहीं है मिस्टर ब्रेन। लेकिन अगर बच्चा हो तो? वो टाइम लगेगा, बहुत लफड़ा उठता बच्चे के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, बच्चा माँ के पास रहेगा कि बाप के पास रहेगा। बट व्हाई यू आर वरिंग मिस्टर प्रेम, यू आर फ्री होल्ड लैंड, यू कैन मेक एनी बिल्डिंग। गो 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 गो। मेरी बीवी गर्भवती है। व्हाट यू मीन प्रेग्नेंट? क्या मिस्टर प्रेम तुम हमारे से टिंगलबाजी करता? एक बाजू बोलता कि तुम अपना वाइफ से नफरत करता, तुम उसको मारता पीटता, और दूसरा बाजू मिस्टर परेरा जो होना था सो हो गया, अब मैं क्या करूं, कोई रास्ता बताइए। वटपन, तुम हर बात का एडवाइस देने को हमारे पास आता है। आई एम ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, गो टू सम डॉक्टर, ही विल गिव यू एडवाइस। उसको अपना प्रॉब्लम बोलो, तुमको टैबलेट देगा, अपने वाइफ को दो, एवरीथिंग विल बी फिनिश। गो टू सम डॉक्टर। यस, गो टू सम डॉक्टर। यस मैम। हस्बैंड, मिसेस प्रेम प्रेग्नेंट है, ये जानकर तुमसे कंग्रेचुलेशन देना मांगता था, और तुम जाकर उसे सब उल्टा सिखा दिया। एबॉर्शन, डाइवर्स, मगर मेरी तुमको कभी माफ नहीं करेगा। बच्चा गॉड का रूप होता है, तुम्हें गॉड से प्यार नहीं? नो 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 डार्लिंग, हमको गॉड से बहुत प्यार है, लेकिन हमको बच्चा लोग से बिल्कुल प्यार नहीं। डार्लिंग अभी तुमको कैसा समझाएगा? देखो, बच्चा पैदा करने को बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को पालना बहुत भारी पड़ता है। देखो, बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही माँ का दूध पीता है, माँ का सेहत खलास करता है। अगर माँ का दूध नहीं पीता है, डिब्बे का दूध पीता है, डिब्बा खलास करता है, अपना सेहत खलास करता है। अभी वो जानवर नहीं होना, इसके वास्ते उसको स्कूल में एडमिशन दिलाना पड़ता है, पढ़ाना लिखाना अपना भेजा पोड़ना पड़ता है। अभी जल्दी से वो जवान हो जाता है, जवान होते ही पटापट ट्रेन का चक्कर चलाता है, धनाधन सड़क के ऊपर जूता खाता है, वो जूता खाता है तो खाता है, अपने माँ बाप को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर बेइज्जती का दबा दब जूता खिलाता है। हम बोलता डार्लिंग, अगर पीस का लाइफ मांगता तो जिंदगी के अंदर बच्चा कच्चा कुछ नहीं मांगता। इसका वास्ते गवर्नमेंट सोच समझ कर फैमिली प्लानिंग बनाए डार्लिंग। तो तुमको बच्चा पसंद नहीं? नो डार्लिंग, आई डोंट लाइक चाइल्ड, और जो बच्चा पैदा करने वाला औरत होता हमको वो भी पसंद नहीं आता। डार्लिंग, यस डार्लिंग, मगर हम प्रेग्नेंट है। ओके, आइए आइए, हम आपसे एक बहुत सीरियस बात करना मांगते हैं। क्या बात है? आइए ना। अंकी, हमको गलत मत समझना, हम किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कराना नहीं मांगता। मगर बात क्या है? अंकी, हस्बैंड वाइफ में प्यार होता है, झगड़ा होता है, लेकिन बात सुनकर जाना बहुत बड़ा सीन है। लेकिन किसका हो, जिसको अभी देखा नहीं, जो अभी माँ के पेट में बढ़ रहा है, उस बच्चे को मारने का प्लान बन रहा है। किसके बच्चे को मारने का? माँ, इस घर में किसकी कोख में बच्चा बढ़ रहा है? तुम्हारे बड़े बेटे के सिवा इस घर में और कौन खून कर सकता है? माँ, राजेश मेरा प्रेम शांति के कोख में पलपते हुए बच्चे का बाप है। हम ना नहीं बोलता, जो बच्चे का बाप बनना मांगता है वो अपना औरत को डाइवर्स देने का नहीं बोलता। ये झूठ है, ये झूठ है। मेरा प्रेम शांति से प्रेम करता है, उस पर जान देता है। जान देता नहीं आंटी, जान लेता है। इधर तुम्हारा आंखें बंद है, उधर उसका जुबान बंद है। हम अपनी आंखों से रोज देखता है, वो शांति को कसाई की तरह मारता है। हम तुम्हारा हाथ जोड़ता है आंटी, तुम अपना बेटे का सही नहीं, अपना बहू का सही नहीं, उसका जान बचाओ। हमको जाता है। सोने के जेवर में कांच को जड़ने से कांच हीरा नहीं बन जाता। मैं इस शादी के हक में बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप लोग समझ रहे थे कि वो सुधर जाएगा, समझ जाएगा। हमें क्या मालूम था बेटा वो इस हद तक पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे मालूम था माँ, वो बच्चे का खून करेगा, और हम लोग तो भाभी का खून कर चुके हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक मैंने ये वसीयत तैयार कर ली, आप सब लोग इसे गौर से सुन लीजिए। हैरी, प्रेम, यहाँ
क्या बात है? मैंने वसीयत तैयार कराई, बैठ कर सुन। वसीयत? कैसी वसीयत? आपने सारी प्रॉपर्टी शांति के नाम कर दी, क्या ये कानूनन जायज है? क्यों? ये सारी दौलत पिताजी की है और पिता की जायदाद के असली वारिस बेटे और पोते होते हैं। आपने सीधा बहू का मालिक बना दिया, तो कैसे होगा? सब समझते हैं कि वकील साहब ने ये वसीयत गैर कानूनी बना दी है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये सारी दौलत तुम्हारे पिता की है? पिताजी की नहीं तो और किसकी? प्रेम, चरणों की धूल माथे पर चढ़ाओ इस देवता, इनके उपकार का बदला तुम दोनों भाई सारे जन्म में भी नहीं चुका सकते। अगर इन्होंने ईमानदारी के साथ दुख और गरीबी में रहते हुए भी तुम्हारे पिता के अमानत को देवता की मूर्ति की तरह न संभाल के रखा होता तो आज भिखारी बनकर दर दर भटकते रहते तुम। मुझे जानकर भी अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में सौंप दिया। सौंप दिया तो फिर क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हो उससे पहले ही मैंने ये इंतजाम कर दिया है। तो ठीक है, प्रॉपर्टी शांति के नाम हो या मेरे नाम हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी होगा मां, तुम्हारी बाजी के मुताबिक होगा। शांति, अरे अरे तुम डर क्यों रही हो? शायद सोच रही हो मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा, बुरा भला कहूंगा। शांति, एक चुप सौ को हराता है। अगर तुम गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं करोगी तो क्या मैं पागल हूं जो तुम्हें मारूंगा? कभी कभी गुस्से में आकर जब मैं तुम्हें मार बैठता हूं तो बाद में बहुत पछताता हूं। ऐसा जी में आता है इन हाथों को जला दूं। लेकिन शांति, अब कसम खाता हूं अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, हमेशा पहले की तरह प्यार से दे जाऊंगा। उस दिन तुम महाबलेश्वर जाने के लिए कह रही थी, चलो ना अभी इसी वक्त जब महारानी का हुक्म होगा। और एक डॉक्टर ने मुझे कहा है कि गर्भवती स्त्री के लिए पहाड़ की आबोहवा बहुत अच्छी होती है, बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होता है। अच्छा? हाँ, और उसने मुझे चंदे भुड़िया भी खाने के लिए तुम्हें कहा है। इससे जच्चा भी तंदुरुस्त, बच्चा भी तंदुरुस्त। कहाँ है वो गोलियां? यूं ही डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भागा बाजार गया और ये गोलियां लेके आया। आज ही शुरू कर दो। हाँ, शॉप से। शांति, मेरी बच्ची मत खाई थी, थूक दे मेरी बच्ची, थूक दे। शांति, नीच कमीने, बताइए क्यों खिलाई थी ये गोली? बता, बोलता क्यों नहीं, क्यों क्यों है? माँ, माँ, इन्हें मत मारिए, ये तंदुरुस्ती की दवा है। तंदुरुस्ती की नहीं बच्चे, तेरे कोख में पलने वाले बच्चे की जान लेने की दवा है, जहर है जहर। क्या बापी हत्यारे, आज मैं तेरी जान ले लूंगा, राजेश करूंगा। राजेश जिंदा रहा तो जरूर ये पाप करेगा। Raja! 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 Raja
तेरे पैरों में पड़ा, कितने जाए पाँव पकड़ रखे। देख माँ, माँ ये क्या कर रही हो? मेरे पैर पकड़ कर मुझे पाप में डुबो रही हो। राजेश, तेरे हाथ रोकने की ताकत मेरे हाथों में नहीं बेटे, इसलिए तेरे पाँव पकड़ रही हो। माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। राजेश, आज तक इस कपूत बेटे से मैंने कुछ नहीं कहा, तो मेरा सपूत बेटा है। आज तुझसे मैं एक वचन मांगती हूँ बेटे। आज्ञा करो माँ, बोलो मैं क्या करूँ, हुक्म करो माँ। जो आज तूने किया वो कभी नहीं करेगा। अपने इस नालायक भाई के हर अपराध को माफ कर दे, और कभी भूल से भी अपने बड़े भाई पर हाथ नहीं उठाएगा। मुझे वचन दे, मुझे वचन दे। माँ, इस नीच के लिए अपनी आंखों पर बंधी इस ममता की पट्टी को उतार कर फेंक दो। क्या ये जलील इंसान आपको इस लायक लगता है कि इसे माफ कर दिया जाए? माँ, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं अपनी ममता के लिए नहीं। शांति, शांति माँ, शांति, शांति के माथे के सिंदूर के लिए मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। मुझे वचन दो बेटे, प्रेम पर कभी हाथ नहीं उठाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अपने बड़े भाई पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। पुराना होता दान से गिर जाता, आदमी बुढ़ा होता पाठ से मार जाता। उसका मैं क्या किया, प्रेम क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने माँ का पेट से बच्चा खराब करने का आइडिया दिया। अरे चेहर है, पार्वती हाथ पैर से मर गया। नो नो नो, वो बेचारा घर का आग में जल कर मर गया। क्या बात करता, हम अपना आग से देखा, उसका रिलेटिव लोग उसका डेड बॉडी के साथ में अलग अंडे में आग लेकर जाता था। अरे नहीं, हम उस आग का बात नहीं करता, हम वो आग का बात करता जो तुमने मिलकर प्रेम के साथ लगाया। हम इस मुल्क हिंदुस्तान में क्यों पैदा हुआ? इधर मर्द लोग औरत का लाइफ को मिट्टी का खेल होना समझता है। अरे तो तुम किधर पैदा होना मानता था? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। अरे तो इंग्लैंड में तुम क्या करता? बताना क्या करता? हाँ, तुमको दिमाग ना करता। What? तुम हमको एक चप्पल दिखाया, हम तुमको दो जूता दिखाएगा। What? ये हिम्मत, हम इस चप्पल से तुम्हारे खोपड़ी में तगड़ा हो जाएगा। तुम चप्पल टच किया, हम डाइवोर्स का टच लेगा। What? डाइवोर्स? Yes, और खती। अच्छा, तो हम भी तुमको डाइवोर्स दें। ओके, कौन है नाली? चली, 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 लिसन टू मी, चली, चली, लिसन टू मी। हम ऐसे बोला, हम चली जोक किया, बोला नहीं, हम जिंदगी करता था, जोक करता था, जोक। तुम्हारा दिल का सच्चा बात ज़बान पर आ गया। हम प्रेग्नेंट है ना, इसलिए हमारा मोहब्बत ओल्ड हो गया। ओल्ड इज गुड डार्लिंग। अरे ओ गॉड, सामने के घर का अंगार हमारे घर में कैसे कूद गया? फायर ब्रिगेड बुलाओ, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड। बात को खत्म करो डार्लिंग। नो, अब ये बात सिर्फ वकील के पास खत्म होगा। तुम डाइवोर्स मांगता था ना, अब तुमको डाइवोर्स देगा। कम ऑन। नो, यस, नो, यस, नो, यस, नो। फाइन, हरी अप, साइन। यू आर सो फाइन। आई एम साइनिंग, आई एम साइनिंग, आई एम साइन। थैंक यू। पास रो पीट कर, झूठ सच बोलकर तमाम जायदाद अपने नाम लिखवा ली। आपको, आपको यकीन है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? तू नहीं, लेकिन तुम्हें सिखाने वाले कोई और है। मुझे सिखाने वाले कौन है? तुम्हारा बाप, तुम्हारी चालाक बहन, तुम्हारा हमदर्द लक्ष्मण जैसा देवर। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो मैं सारी जायदाद आपके नाम लिख देती हूँ। यही तो चालाकी की है उन लोगों ने, एक ऐसा क्लॉज लिखवा दिया कि तुम ये जायदाद किसी और के नाम नहीं कर सकती। मुझे क्या मालूम, लेकिन जब मैं आपकी हूँ तो फिर ये सारी जायदाद भी आपकी है, आप उसका कुछ भी कर सकते हैं। तुम मेरी हो? तन मन धन से आपकी,
मेरा कहा मानोगे? यही तो मेरा धर्म है। तो फिर राजेश से कह दो। क्या कह दूं? कह दो कि वो अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़कर चला जाए। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? तो फिर किस मुंह से कह रही थी कि तुम मेरा कहना मानोगे? आप मुझे कोई और आज्ञा दे दीजिए। मुझे बनाती? अगर तू मेरी, तेरी जायदाद मेरी है तो मैं उस नकम्मे को इस तरह बैठ कर खाने नहीं दूंगा। मैं जाने के लिए कहोगी या नहीं? मैं कहता हूँ जाने के लिए कहोगी या नहीं? किस मुंह से कहूँ? तुम नहीं कह सकोगे भाभी। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को। हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। भैया ये बेचारी नहीं समझ रही कि तुम हमें कांटे की तरह बाहर निकाल कर क्यों फेंक देना चाहते। लेकिन हम अच्छी तरह से समझते हैं। समझ कर क्या करोगे? मरोगे मुझे? भैया मारने वाले हाथ तो कट चुके। माँ को वचन दे तो फिर दूसरों से पिटवाएगा क्या? भैया माँ ने दो बेटों को जन्म दिया, कम से कम उसकी आत्मा एक बेटे पर तो नाज करे। एक बेटा तो उसका सच्चा बेटा निकले। तुम डरो मत भैया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं मैं किसी दूसरे को तुम्हें मारने दूंगा। लेकिन एक बात याद रखो भैया, माँ की आत्मा को सताकर तुम सुखी नहीं रह सकते। इस देवी को दुख देकर तुम खुशी नहीं हासिल कर सकते। चलो दुख।
ले लीजिए, वो बदमाश डुप्लीकेट चाबी से कार का दरवाजा खोलकर आपका बैग लेकर जा रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर आप नहीं होते तो आज 1,00,000 रुपए से लुट जाते। 1,00,000? जी हाँ, 1,00,000। आपको चोट लगी है? हॉस्पिटल चली, मामूली सी चोट है, जल्द रहने दीजिए भाई साहब। नो नो, यू मस्ट कम। आपने जो मुझ पर एहसान किया मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये रुपया मेरा नहीं था, मजदूरों का था। मजदूरों का? जी हाँ, मजदूरों का, जो लोग डैम पे काम करते हैं उनके बांटने के लिए लाया था। अच्छा अच्छा, आप ऐसे करते क्या हैं? जी मैं कुछ करने की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली। मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। मेरी कंपनी में एक नौकरी खाली है, अगर आप कहें तो। अंधा क्या चाहे दो आंख, मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। तो आपको हॉस्पिटल चलने की बहुत सख्त जरूरत है। ओ मिस्टर राजेश। मिसेस परेरा, गुड मॉर्निंग। मिसेस परेरा, गुड मॉर्निंग। तुम मर्द लोगों को एकदम गोली मार देना मांगता, बेरहम, हार्टलेस। अरे एकदम कोर्ट मार्शल, आखिर हुआ क्या है? यह आपका है, कंग्रेचुलेशन। अरे मैं तुम हमको कंग्रेचुलेशन बोलता है, उधर तुम्हारा भाभी का बाबा हुआ उसका तुमने खबर भी नहीं लिया। भाभी को बाबा हुआ? कहाँ है वो? मैटरनिटी वार्ड में। क्रूर प्रेम पहुँचाने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया। बेचारा दर्द के मारे बेहाल था, पड़ोसी लोग ने हॉस्पिटल में पहुँचाया, तुम लोगों ने मुड़कर भी नहीं देखा कि वो मरता है या जिंदा है। भाभी और बच्चा कैसे? अच्छा है, दे आर ऑल राइट, कम ऑन मम्मी। मेरी मदद कीजिए, मुझे फौरन घर जाना चाहिए और घर वालों को लेकर भाभी के पास वापस आना चाहिए। जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। दुर्गा, दुर्गा। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? क्या है ये? अजीब दुनिया है दुर्गा, कहीं सुख कहीं दुख। ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया था कि मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, फिर? भाभी को लड़का हुआ है, लेकिन वो बेचारी अनाथ की तरह अकेली अस्पताल में पड़ी है और भैया ने रत्ती भर फिक्र नहीं की। पिताजी, पिताजी चलिए ना, चल कर देखिए, चलिए ना पिताजी। चलता हूँ बेटे, उस बेचारी को कहीं सुख नहीं मिला। चल। मिस्टर परेरा, मेरी डार्लिंग, तुम आई। मॉर्निंग का गया, इवनिंग को आता, उसको भूला नहीं बोलते, भोला बोलते। आओ चलो चूल्हा फूको। मिस्टर परेरा, हमने कोई भूल नहीं किया, एक ही भूल किया कि तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया। ओह कांग्रेचुलेशन डार्लिंग, ओह स्वीट। आओ डार्लिंग चलो चूल्हा फूको। नो, हम तुम्हारा चूल्हा फूकने को नहीं आया। तो क्या फूकने को आया? सिर्फ तुम्हारा बच्चा तुमको देने को आया है, इसे संभालो ज्यादा। नो नो, जिधर माँ होता उधर बच्चा होता, बच्चा को लेकर जाओ। बच्चा भी तुम्हारा, हक भी तुम्हारा। हम बच्चा को पैदा नहीं किया, बच्चा तुम पैदा किया। ठीक है ठीक है, मैंने बच्चे को पैदा किया, तुम मेरे को डायवर्स दे सकता है लेकिन तुम बच्चे को इनकार नहीं कर सकता। हक से बच्चा फादर का होता है, इसे संभालो नहीं तो मैं इसे इधर ही छोड़ दूंगा। अरे बाप बेटा, बाप का गोद में आते ही रोना चालू किया, यो उल्लू का पाटा, अरे यो फ्लोरा फाउंटेन। आ गई, मैं तो सोच रहा था शायद तुमसे छुटकारा मिल। भैया,
कम से कम ये तो सोचो कि इस बेचारी ने तुम्हारे अंश को 9 महीने अपने कोख में रखा है, दुख दर्द सहकर इसे जन्म दिया है। प्रसव समय नारी के जन्म मरण का समय है और आप कह रहे हैं लेक्चर लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ क्यों आए? बेटा भगवान तुम्हें सुखी रखे, मेरी बेटी की गोद भरी रहे। रीत रिवाज के मुताबिक हम बच्चे को देखने आ गए और कुछ खिलौने और कपड़े लेकर आए। मुझे किसी की खराब की जरूरत नहीं, आप लोग चले जाइए यहाँ से। भाई साहब हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम चले जाएंगे अभी, लेकिन जाने से पहले एक अर्ज करना चाहता हूँ। अब तुम एक बच्चे के बाप बन गए हो, अपनी जिम्मेदारी समझो, प्रेम से रहना सीखो। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। जबी से वो बना जबी से चुप है, रोता नहीं, तू रोता? अरे नहीं रोना बाबा, ना रोना। अच्छा दूध पिएगा, दूध पिएगा, मिल्क पिएगा हमारे बाबा, मिल्क पिएगा रे, ये ले ये ले ये ले, अरे नहीं रोना बाबा, अरे कितना अच्छा मिल्क रे, पी रहे, अरे अरे चुप। अच्छा हम गाना गाए, हम गाना गाता देख, ये पार डोंगरा वो पार डोंगरा। अरे बाप रे, तुम तो ज्यादा रोने को लग गया, हमारा आवाज इतना खराब है, हम तेरे को रेडियो पर इंग्लिश गाना सुनाएगा, जरा भी बजा था रेडियो, सुनो रे रेडियो, सुनो रे रेडियो। अरे क्या है तुम बाजे बजाते, जरा मीठा नहीं तो बच्चा चुप नहीं होता, thank you.
एक नाचीज तोहफा। नेकलेस? मेरी मोहब्बत के फूलों का महकता हुआ हार। हीरे में से महक नहीं आती, ये हीरे का है। इसमें हमारी मोहब्बत के हीरे जड़े हैं। नहीं, मैं इसे नहीं पहनूंगी। क्यों? अरे को देख थोड़ी रहा। मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम्हें मेरे गले में मंगलसूत्र बांधते हुए सारी दुनिया देखे। प्रेम बाबू, शादी से पहले मैं कोई तोहफा नहीं लूंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। मिस्टर प्रेम, हम तो उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन कि आप अपने हाथों से हमारी बेटी के गले में वरमाला डालें। जी हाँ, वो तो होगा ही। तो फिर हम उस शुभ दिन की तैयारी करें। हाँ हाँ बेटी, जल्दी जल्दी से सबका मुंह मीठा कराओ और देखो अपने तमाम रिश्तेदारों को खबर कर दो कि हम हमारी बेटी की शादी प्रेम के साथ कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं? शांति, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मैं नीच हूं, पापी। लेकिन बात क्या है, क्या हो गया मुझे बताइए। इस मुंह से देखो शांति, मैं बहुत बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ, बहुत जुल्म किए हैं तुम्हारे ऊपर। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, भगवान के लिए मुझे जाने दो। लेकिन कहा? अपने आप से दूर, इस शहर से दूर। अब तो शायद मैं इस देश में भी नहीं रह सकूंगा। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? अगर मैं यहां रहा तो मुझे 7 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। जेल? हाँ शांति, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं गलती से एक कुंवारी लड़की के चक्कर में फंस गया। फिर? वो लड़की हमल से है। अब मैं क्या करूं शांति, उसके माँ बाप कहते हैं कि अब उससे शादी कर वरना हम तुम्हें जेल भजवा देंगे, तेरा खून करवा देंगे। खून? शांति, अब क्या करें? अगर मैं इनकार करता हूँ तो उसका भाई मुझे गोली से उड़ा देने की धमकी दे रहा है। तुम विधवा होकर जिंदगी भर आंसू ही नहीं भाओगी बल्कि दुनिया वाले तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, तुम्हें ताने मारेंगे, जलील करेंगे और कहेंगे तुमने कैसे बदमाश नीच और जलील इंसान के साथ शादी की। इससे बेहतर यही है शांति कि मैं ये देश छोड़कर चला जाऊं, ताकि कम से कम तुम्हें ये तो तसल्ली रहेगी कि मैं जिंदा हूं। अच्छा शांति, मैं क्या करिए? अगर आप उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो? यही तो वो चाहते हैं शांति, लेकिन लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम नहीं जानते शांति, कानून इस बात की इजाजत कैसे देगा? मैंने तुमसे शादी की है, मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप हूँ। उसके माँ बाप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुमसे तलाक लूँ। तलाक? मैं जानता हूं शांति, कौन स्त्री अपने पति से तलाक लेने के लिए तैयार होगी। यही सोचकर मैंने ये फैसला किया है। अच्छा शांति,
पति के संकट में तलाक तो तलाक, औरत अपनी जान भी दे सकती है। मैं तैयार हूं। शांति, यह कहने से कुछ नहीं होगा। अदालत वजह पूछेगी, अदालत के सामने सब कुछ कहना होगा। क्या कहना होगा मुझे? तुम्हें कहना होगा कि हम दोनों के ख्यालात एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। आपके चरणों की कसम मैं कहूंगी। तुम्हें यह भी कहना होगा कि मेरा तौर तरीका तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। मैं कहूंगी। मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ, तरह तरह के इल्जाम लगाता हूँ, तरह तरह के जुल्म करता हूँ। मैं कहूंगी। तुम्हें यह भी इल्जाम लगाना होगा, मेरा पति मुझे लड़की से मोहब्बत करता है, इसका घर आना जाना मिलना जुलना बिल्कुल बंद। मैं कहूंगी। तुम्हें यह भी कहना होगा कि तुम अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, बच्चा तुम्हारे पास रहेगा। आपके सफल जाति के लिए जो भी चाहिए मैं कहूंगी कहूंगी कहूंगी। मैं कम इन मिस्टर परेरा। कम इन कम इन। मिस्टर परेरा, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, जब आपने तलाक लिया तो आपने क्या क्या कार्रवाई की? कोर्ट में आपसे क्या क्या पूछा गया? मिसेस परेरा से क्या क्या सवाल? भाई, तुम्हें सब काय को मालूम करना मतलब? मिस्टर परेरा, आपने हमें एडवाइस किया, अब हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलता है। हम भी अपनी बीवी से तलाक लेगा। नो मैन, हम अपना एडवाइस वापस लेता है, वो मिस्टेक था, बहुत बड़ा भूल था। कमाल करते हैं मिस्टर परेरा, खुद ही रास्ता बताया, खुद ही बदल गए। मिस्टर पेन, एक मासूम बच्चा क्या करने को सकता है? उसे तजुर्बा और एक्सपीरियंस पता था, तो सिर्फ इसको जन्म देने वाले माँ का, ओनली मदर का। देखो इस मासूम फरिश्ते को देखो, इसका मुंह है लेकिन बोल नहीं सकता, इसका पाँव है लेकिन चल नहीं सकता, लेकिन इसका माँ इसका हर जरूरत जानता, सिर्फ इसका माँ जानता। ये रोता तो उसके दिल में दर्द उठता, इसको भूख लगता तो उसके पेट में तड़प उठता है। प्रेम, ऐसी ममता की मूरत को जो मर्द अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपना लालच, अपना हवस के लिए मारता है, कुचलता है, जलील करता है, गॉड विल नेवर फॉरगिव हिम, गॉड विल नेवर फॉरगिव हिम। औरत मदर मरियम है, देवी है, गॉडेस है, पूजा और प्यार के वास्ते है, और मर्द का हवस का दूसरा नाम तलाक है। Hey, the husband. Oh, darling. Darling. I'm very, very sorry, darling. दुनिया में कोई माँ अपना बच्चा को छोड़कर नहीं जाता। हम तुमको सिर्फ नसीब देने के लिए छोड़ गया था, डार्लिंग। अभी तुम इसको और हमको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, प्रॉमिस करो। नो, हम तुमको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तुम हमारा हस्बैंड है, हमारे गॉड है, हमारा देवता है, हम नहीं जाएगा। डार्लिंग, अगर ये पड़ोसी नहीं होता तो तुम्हारा पाँव पकड़ कर माफी मांगता, मैं क्या करूँ? नो, मिस्टेक हमारा है, हम तुमसे माफी मांगता है। राजेश, मिस्टर राजेश, प्लीज कम हियर, कम हियर। मिस्टर परेरा, मिस्टर परेरा, प्लीज कम आउट, कम अंदर आइए ना। अरे बाबा, अंदर आने का टाइम नहीं, तुम बाहर आओ, प्लीज कम आउट। हाय हाय, मिस्टर राजेश, तुम अपने भाभी को, शांति देवी को बचाओ प्लीज। क्या हुआ शांति देवी? अभी हुआ कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत गड़बड़ होने वाला है। वो प्रेम अपना बीवी को लेकर कोर्ट में गया, अदालत में गया। कोर्ट? और नहीं तो क्या, तेवर में लेकर जाएगा। लेकिन क्यों? अरे बाबा, गॉड हमेशा काम के बाद बोलने को भूल जाता है। वो उसको डाइवोर्स देने को गया, बरकती देने को गया, तलाक देने को गया। मैम, मैं जाके देखता हूँ। जाने तो उसको जाना बहुत जरूरी है। क्या बात है? जीजा जी, अरे क्या हुआ? बोलो जीजा जी, क्या हुआ? दीदी ने तलाक ले रहे हैं पिताजी। तलाक? पिताजी, thank you.
देवी के पति प्रेम कुमार में अक्सर अनबन रहती है, क्योंकि प्रेम कुमार एक बिमला नाम की औरत के साथ घर बसाकर रहता है। मुदाले प्रेम कुमार शांति देवी के लगाए हुए इल्जाम की उजरदारी करने कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, इसलिए इंडियन मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 के मातहत शांति देवी का प्रेम कुमार से तलाक मंजूर किया जाता है। आज से प्रेम कुमार से शांति देवी का पति पत्नी का रिश्ता खत्म होता है। भाभी, भैया को अपने हविस का गंदा खेल खेलने के लिए पूरी छूट दे दी तूने। तलाक मुबारक हो भाई साहब। मेरे साथी मामले में दखल दोगे बहुत बुरा होगा, समझे? बुराई के अलावा आपसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं रही राजेश। भाभी नहीं, बहन तो कह सकता हूँ। माँ के समान आदर और पूजा तो कर सकता हूँ। अपने भाई के हाथों सताई और ठुकराई हुई देवी का आधार तो बन सकता हूँ। चलो भाभी। कहाँ? मेरे यहाँ नहीं, अपने पिता के यहाँ। पिताजी को मेरा आना अच्छा न लगा तो? भाभी, आज तक दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं हुआ जिसके घर के दरवाजे अपनी ठुकराई हुई बेटी के लिए बंद हो जाएं। ऐसा कहकर अपने पिता की महानता कम न करो। चलो भाई, चलो। क्या हुआ? भाई की चार कामयाब हो गई। तलाक हो गया? हाँ, मेरे पहुंचने से पहले ही सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। असली कसूरवार मैं हूं, तेरे इन आंसुओं का जिम्मेदार मैं हूं। बेटी, मैंने जान बूझ के तुझे उस भट्टी में सुलगने के लिए छोड़ दिया। आखिर ये रोना धोना किस लिए पिताजी? मेरा भाई मरा तो नहीं? अरे मर जाता तो सब्र कर लेता, इसके सोने माथे को देखकर अपने फटे कलेजे को थाम लेता, अपनी विधवा बेटी को अपने सीने से लगा लेता। लेकिन अब क्या समझ के इसका स्वागत करूं? पति जिंदा, बेटी बाप के घर में, क्या कहेगी दुनिया? क्यों छोड़ दिया, क्यों तलाक लिया उसने? लोग कहेंगे नालायक था, लियाकत नहीं थी ऐसी देवी के साथ रहने की। अरे बेटा नहीं, दुनिया वाले इस निर्दोष को दोषी ठहराएंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। आप अपनी बेटी की चिंता के बदले इस बात की चिंता कर रहे हैं कि दूसरे क्या कहेंगे? पिताजी,
हमें भाभी के भविष्य का ख्याल करना है, इस मासूम बच्चे की परवरिश का ख्याल करना है। अरे अनजाने में हमसे कैसा भूल हो गया, वो दोनों की तलाक का वजह हम बन गया। गॉड हमको कभी माफ नहीं करेगा। इसमें आपका कोई दोष नहीं मिस्टर परेरा, ये तो किस्मत की बात है, मगर दुख तो मुझे भाभी को देखकर होता है। न तो बेचारी खाती है न सोती है, दिन रात भैया की याद में रोती रहती है, समझ नहीं आता क्या करूं। अरे मैन, तुम सवेरा होटल में काय को नहीं जाता? सवेरा होटल? हाँ हाँ, तुम्हारा भाई उधर रोज डांस करने को जाता, अपना भाभी को लेकर उधर जाओ, वो दोनों को मिलाने का ट्राई करो। तुम यहाँ क्लब में कब से आने लगी? ये सवाल करने का आपको क्या हक है? पूरा हक है मुझे। अगर मेरी बीवी ऐसी जगह आएगी तो दुनिया क्या कहेगी? अगर उसका पति हो तब दुनिया कुछ कहेगी ना? तो मैं कौन? यही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं। इनके बारे में कुछ कहने वाले आप कौन? मैं इसका पति हूं। कैसे 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 क्या बात रहे? नाराज नहीं, शांति से बात कीजिए। आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप इनके पति कैसे? मैंने इससे शादी की है, इसके गले में मंगलसूत्र बांधा है। वो सामाजिक बंधन आप तलाक लेकर कानूनन खत्म कर चुके हैं। अब ये कहीं भी रहे, किसी के साथ भी घूमे फिरे, इससे आपको क्या मतलब है? बल्कि आपको तो इनके बारे में सोचने का भी कोई हक नहीं रहा भाई साहब। कानून से भले ही ये मेरी पत्नी नहीं, लेकिन दुनिया तो यही कहेगी कि प्रेम की बीवी गलत रास्ते पर चल रही है। इसे सुनना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दुनिया की बदनामी से गर्दन झुकती है तो कोर्ट में तलाक लेने क्यों पहुंचे? भाई साहब, जब विदेशों में तलाक लिया जाता है तो औरत की बगल में दूसरा मर्द पहले से ही मौजूद होता है। वो कितने भी पति क्यों ना बदले, उसके पहले शौहर को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई एतराज नहीं होता। मुझे एतराज है, मेरी गैरत से कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई साहब, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तलाक लेने के बाद भी आप सामाजिक बंधन को मान रहे हैं, भाभी को अपनी पत्नी समझ रहे हैं, अपनी इज्जत समझ रहे हैं। आपके दिल में भाभी के लिए अब भी वही जगह है। भैया, भाभी यहाँ अपने आप नहीं आई, आपसे मिलाने के लिए मैंने ये रास्ता ढूंढा था, मैं ही भाभी को यहाँ लाया था। शांति यहाँ खुद नहीं है? भाभी यहाँ खुद कैसे आ सकती है भैया? मैं बड़ी मुश्किल से भाभी को यहाँ लाया हूँ। शांति, शांति मन मुझे बहुत दुखती है। अंकल, दुर्गा, भाभी और भैया मिल गए। भाभी और भैया मिल गए। मैंने भैया क्या हुआ राजेश? सपना था, काश ये सपना सच हो जाए। यस, हेलो मिस्टर जगदीश, नाइए क्या खबर है? गुड न्यूज प्रेम, पंडित जी ने कल सगाई के लिए मुहूर्त निकाला है और डैडी जी कहते हैं कि आप अपने सब रिश्तेदारों को लेकर 10:30 बजे तक पहुंच जाइए। जगदीश बाबू, आप लोग तो जानते हैं मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। रही बात पहुंचने की, मैं ठीक वक्त पर खुद ही पहुंच जाऊंगा। ओके, और यस, आई विल बी देयर। बाय बाय। मीट माय डैडी। हेलो राजेश, माफ कीजिए हमें थोड़ी देर हो गई। नो नो, यू आर इन टाइम। मीट माय फादर इन लॉ, माय वाइफ, भाभी जी। कम ऑन। हेलो मिस्टर प्रेम। हेलो मिस्टर रहमान, कंग्रेचुलेशन। कैसे हैं? थैंक यू। पिताजी, मुझे यहाँ से ले चलिए। भाभी जी, आप ठहरिए। सुनिए, आप प्रेम को कैसे जानते हैं? अरे, इन्हीं के साथ तो सगाई हो रही है। क्या प्रेम के साथ सगाई? हाँ पिताजी, जगदीश बाबू, प्रेम के साथ सगाई करने की किसने सलाह दी? लड़की लड़के ने एक दूसरे को पसंद किया, हमें भी अच्छा लगा। वैसे बेचारा अकेला है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई बंधु नहीं। आपको किसने कहा कि इनका कोई रिश्तेदार नहीं, भाई बंधु नहीं? खुद प्रेम ने। ठीक है, अब जरा मेरे सामने इनसे पूछिए कि मैं कौन हूँ।
अब पूछिए इन्हें। मिस्टर प्रेम, क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। जगदीश बाबू, ये मुझे भूल गए हैं, लेकिन मेरे साथ एक खास मेहमान आया है, शायद ये उन्हें जरूर पहचान लेंगे। राजेश, इन्हें जानते हैं? इन्हें पहचानते हैं? मिस्टर जगदीश, ये सब क्या तमाशा है? कौन है ये लोग? हम कौन हैं तुम नहीं बता सकते, मैं बताऊंगा तुम कौन हो। ये बेबस अबला बताएगी। भाभी, कह दो कौन है ये, बता दो कौन है ये, कह दो कौन है ये। भाभी भाभी डरो मत, बोल दो ये कौन है। तुम खामोश क्यों हो भाभी? भगवान के लिए तुम बोलते क्यों नहीं? इन सब से बता दो ये कौन है। मुझे नहीं मालूम। देखा मिस्टर जगदीश, ये आदमी इस औरत से कुछ भी कहना चाहता है, शुभ काम में विघ्न डालना चाहता है, ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। इन्हें यहाँ से निकाल दीजिए। मिस्टर राजेश, ये क्या माजरा है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, तुम्हारी ये खामोशी हमारे अपमान का कारण बन जाएगी, तुम समझते क्यों नहीं? बता दो इन सबसे कौन है ये। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। तुम कसम खा के कह सकते हो कि तुम्हें मालूम नहीं? हाँ, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, दुर्गा बच्चे को लाओ, जल्दी चलो। ये बच्चा किसका है? चुप क्यों हो गई भाभी, ये बच्चा किसका है? भैया है। इसका बाप कौन? खामोश क्यों हो गई भाभी? जिस हिम्मत से तुमने कहा है कि तुम इस आदमी को नहीं जानती, उसी हिम्मत से ये क्यों नहीं कहती कि तुम इस बच्चे के बाप को नहीं जानती? भगवान, भगवान जानता है, तुम भी जानती हो। सिर्फ ये लोग जानना चाहते हैं कि ये बच्चा जायज है या नाजायज है। अरे भगवान के लिए, मेरी सीता जैसी बेटी पे कलंक न रख। अरे पिताजी, अगर तुम में ये सहने की शक्ति है कि ये बच्चा तुम्हारे पाप का फल है, कि तुम्हारी किसी से शादी नहीं हुई, कि तुम किसी घर में बहू बनकर नहीं आई, तो तोड़ दो इस मंगलसूत्र को जिसे तुमने इतने अत्याचार सहने के बावजूद अपने गले में पहन रखा है। इस मासूम बच्चे की कसम खाकर कहो कि ये आदमी तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं। ये बच्चे के बाप है। इन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र पहना था। नीच कमीने, इतना बड़ा धोखा। जगदीश, और हमारा कि बिना जाने पहचाने हमने इस गुंडे पर विश्वास कर लिया, अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गए। गलती हमारी है, इसलिए ना तो हम तुम्हें दोष देते और ना सजा। निकल जाओ यहाँ से। ठोके बाद अपनी पति को किसी दूसरे की पत्नी कहते हुए शर्म नहीं आई? नीच कमीने, नारी समाज के दुश्मन, मुझसे शादी करके मेरी अस्मत को भी खुले बाजार में बेच देता। माफ करना, मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। पूरी हो गई, हो गया कलेजा ठंडा। जो करना चाहते थे सब कर लिया ना? भाई साहब, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जरूरत और मौका पड़ने पर। लेकिन मैं तुझे वो मौका कभी नहीं दूंगा। पुलिस को टेलीफोन करो। जगदीश बाबू, पुलिस को टेलीफोन मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। प्रेम मेरा बड़ा भाई है। बाबूजी, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि अपने इस नालायक भाई पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इज्जत के लिए और कल्पना बहन की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो मैं इसकी जान भी ले लूंगा। एक शख्स हमारा पीछा कर रहा है।
अगर वो अंदर आने की जबरदस्ती कोशिश करे तो उसका इस्तेमाल करना, समझे? जी। यहाँ से कोई नहीं। मेरे मालिक का हुक्म है, कोई अंदर नहीं कर सकता। चलो चलो। नहीं भाभी। क्यों? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं। इस वक्त तू दलील इंसान के सर पर शैतान सवार है। उससे भी खतरनाक शैतान तुम्हारे सर पर सवार है। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? ठीक कह रही हूँ। कल्पना को बचाने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं। तुम मेरे नीच भाई को नहीं जानती भाभी। मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। उनका चाल चलन कैसा भी हो लेकिन वो हत्यारे नहीं, खूनी नहीं। बदकार आदमी खूनी भी बन सकता है भाभी। मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। एक स्त्री की लाज बचाने के लिए तुम अपनी भाभी का सुहागा बचाने जा रहे हो। भाभी? हाँ राजेश, ऐसी हालत में भाई अपने भाई की जान ले सकता है लेकिन औरत किसी भी हालत में अपने बुरे से बुरे पति की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। पहले मेरी जान ले लो, फिर अपने भाई पर गोली चलाना। ठीक है भाभी, मैंने हाथ अंदर जा रहा हूँ। मुझे अंदर जान दो भाभी। अब ये मामला दो भाइयों के बीच है। चलिए सुनिए, भगवान के लिए आप अंदर मत जाइए। मैं अपनी दीदी जी आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। नहीं, कहीं अगर आपको कुछ हो गया तो। दुर्गा बेटी, दुर्गा बेटा, राजेश को अंदर जाने दो। मुझे पूरा विश्वास है जो कुछ करेगा ठीक करेगा, हम सबकी भलाई के लिए करेगा। देखो बेटी, कल्पना की इज्जत का सवाल है, इसे जाने दो। जाओ बेटा। दीदी मैं एक बार कह चुका हूँ कि ये मामला अब हम दोनों भाइयों के बीच है। राजेश, भलाई इसी में है कि वापस लौट जाओ। कल्पना को वापस कर दो, मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। राजेश, जब तक मैं अपनी बेइज्जती के बदले रंग ले लूं, कल्पना को हरगिज वापस नहीं करूंगा। जिस तरह भी होगा मैं कल्पना को तुम्हारी हवस का शिकार नहीं बनने दूंगा। मैं उसे वापस लेकर ही जाऊंगा भैया। तुम यहाँ की धूल भी नहीं ले जा सकते। धूल? मैं तो साथ में तुम्हें भी लेने आया हूँ भैया। मैं तुम्हें आखिरी बार ताकीद करता हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना। हवा में गोली क्यों चला रहे हो भैया? हिम्मत है तो मुझ पे चलाओ। तेरा आगे बढ़ता हुआ हर कदम तुझे मौत के नजदीक ले जा रहा है। मैं मौत से डरने वाला नहीं। आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। राजेश उधर मत जाओ, वापस आ जाओ। राजेश नहीं, नहीं। राजेश
को सुरक्षा। अभी तो सिर्फ 12 रुपए का किया है, अगली गोली खून की रवानी बंद कर देगी। पिताजी, आप ही ने उन्हें अंदर जाने को कहा था ना? यही है नतीजा। अरे भगवान कैसे जान ले? आगे मत बढ़ो। पिस्तौल की गोली तेरे जिस्म की छन्नी भी बना दूंगा। मुझे अगली थोड़ी तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद कर देगी। आप बोल क्यों रहे हो भैया? चलाओ गोली। गोली चलाओ। सोच कर रहे हो भैया? गोली क्यों नहीं चलाते? चलाओ गोली चलाओ। देख क्या रहे हो? मारो। बस ये यही थी तुम्हारी ताकत? ये वचन की मर्यादा मत से दम तक निभाता रहूंगा। ये लो पिस्तौल, ये लो, ये लो, और मुझे खत्म करके अपने रास्ते की तमाम बाधाएं खत्म कर दो। जानते हो इस पिस्तौल को तुम्हारे हाथ से मेरे हाथ तक लाने की शक्ति कौन? मां, हम दोनों का फैसला पिस्तौल और बंदूक से न हो इसलिए मां का दिल टूटे टुकड़ों की तरह हम दोनों के बीच पड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम दोनों का खून नहीं देख सकते। मां की मौत ने तुमको नहीं बदला, भाभी के आंसू तुम पर असर नहीं कर पाए। शायद मेरा खून तुमको पिघला सके, लेकिन भैया मुझे खत्म करने से पहले कल्पना को उसके पिता के साथ जाने दो और मुझे वचन दो कि तुम भाभी के साथ रहोगे ताकि मैं मां से मिलकर गर्व से कह सकूं कि प्रेम बदल गया, प्रेम एक अच्छा आदमी बन गया है। भैया शाम के पर्दे में सहर होती है, हर गम में मुसर्रत की लहर होती है।